तो भाई यार बहुत से बंदे के आईडी में प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी आईडी में कोई भी बंडल हो या फिर कोई भी गन स्किन हो या फिर कोई भी इमोट्स हो नहीं शो कर रहा था, और डाउनलोड करने के टाइम पे डाउनलोड भी नहीं हो रहा था। तो गाइस यही प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में भी आई, मतलब मेरे भी आईडी में भी आई। तो मैंने इसका सोल्यूशन यूट्यूब पे सर्च किया एंड बहुत सी वीडियो मिली, लेकिन उनमें कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं बताया गया। तो गाइस ये मैंने सब ठीक कर लिया, कैसे ठीक किया यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड शायद आपकी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आई हुई तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो गाइस इस फ़ोन में इस वीडियो में मतलब कि तुम देखते रहो इंड तक एंड तुम्हें ठीक कर पाओगे, मैं श्योर हूँ कि तुम ठीक कर पाओगे। एंड तो गाइस उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है यार कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने ठीक कर दिया है एंड प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये देखो, पहले मैंने 44 MB का हो गया था सब चीज़, 44 MB का कुछ होता है क्या? तो और डाउनलोड भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इससे पहले ठीक कर दिया, डाउनलोड करने के टाइम पे डाउनलोडिंग रिसोर्सेज प्लीज वेट लिख रहा था और डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो मैंने इसे ठीक किया तो ये फिर फाइनली हो गया 1171 MB का, जैसे तुम देख सकते हो अभी, ठीक है। तो मैं इसे मैंने कैसे ठीक किया यही बताने के लिए वीडियो में आए हो तुम तो। अरे यार चलो शुरू करते हैं, छोड़ो। तो गाइस पहले तुम्हें फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स में जाना है, ऐप्स में जाने के बाद अपने फ्री फायर मैक्स को ले लेना है एंड फ्री फायर मैक्स के स्टोरेज में जाना है आपको। स्टोरेज में पता है ना, तो स्टोरेज में जाने के बाद वहाँ पर दो चीज़ होता है, क्लियर डाटा है, क्लियर कैच है। तो तुम्हें ना फ्री फायर का पूरा डाटा ही क्लियर कर देना है, क्लियर डाटा मार देना, ठीक है। तो तुम्हारे फ्री फायर के अंदर का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा एंड बस फाइनली तुम्हारा बच जाएगा फ्री फायर, मतलब न्यू का न्यू, ठीक है। फिर से तुम्हें अपने फ़ोन को रीसेट मार देना या रीबूट मार देना है, मतलब कि फ़ोन अपने आप स्टार्ट हो जाए, वो रीबूट करते हैं तो उसको कर देना है। फिर से फ्री फायर में जाना है और अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है और फिर तुम डाउनलोड करोगे गाइस, तो तुम्हें वहाँ पे फिर से सब चीज़ डाउनलोड हो जाएगा, चाहे वो इमोट्स हो, बंडल हो, सब डाउनलोड मिलेंगे, मतलब डाउनलोड करने पड़ेंगे। बस तुम्हें उसमें MB का खर्च होगा भाई, इतना करना पड़ेगा भाई फ्री फायर लवर हो तो। तो गाइस पहले तो लाइक कर दो वीडियो को बताने के लिए एंड सब्सक्राइब कर दो। अब भाई भाई प्लीज़, अगर नहीं हुआ ना तो भाई तो तुम गाली दे सकते हो, अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो तुम गाली दे सकते हो कमेंट में, अलाउ है, ठीक है भाई।